धन्यवाद डॉक्टर संकेत ठाकुर, बहुत ज़्यादा ही तारीफ थी मेरी, पता नहीं मैं उस तारीफ का योग्य हूँ या नहीं, लेकिन पिछली बार जब मैं यहाँ छत्तीसगढ़ गोपाल जी के साथ आया था तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ ये देख के कि यहाँ एक बहुत ही संगठित, बहुत ही अनुशासित, बहुत ही समर्पित वादी पार्टी की टीम है छत्तीसगढ़। और जब हम जो बड़ी लड़ाई लड़ने तय करते हैं तो ये समर्पण, ये अनुशासन, ये संगठन, यही हमारे हथियार होते हैं। आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आए हुए 5 साल हुए हैं, इन 5 सालों में हमने बहुत चुनाव लड़े। इनफैक्ट एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव, दूसरे चुनाव के बाद तीसरे चुनाव, काफी चुनाव लड़े, उन चुनावों से हमने बहुत सीखा। अब हमें धीरे धीरे समझ में आ गया है कि चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, उसकी तैयारियां कैसी होती है, और पिछले तमाम अनुभवों से जहां हम जीते, जहां हम जीतते जीतते रह गए, जहां हम जीत नहीं पाए, इन तमाम अनुभवों का जो सार है उस सार को हम छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। उस सारे अनुभवों को जो कुछ भी हमने सीखा है, जो लड़ाइयां जीती है उससे जो सीखा, जो लड़ाइयां हम नहीं जीत पाए, जहां जहां जो भी कुछ सीखा, तो छत्तीसगढ़ का चुनाव काफी गंभीरता से लड़ा जाएगा। और जब हम कोई काम गंभीरता से करते हैं तो पहले उसकी संगठन, फिर उसका टीम, उसके लिए सारी चीजें मुहैया कराई जाती है। तो पिछले दिनों दिल्ली में यह बात चल रही थी कि हम तो चुनाव हो जगहों पर लड़ रहे हैं, राजस्थान में भी लग रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी लग रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी लग रहे हैं, लेकिन नेशनल कन्वेनर ऑफिस में बैठे हुए जहां से मुझे सारे स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सारे स्टेट को देखना पड़ता है, हर स्टेट के हालातों के बारे में मुझे पता होता है, तो सारी सूचनाओं के आधार पर मुझे ऐसा लगा कि अगर आज हम सीधे सीधे किसी सरकार को पलट के अपनी सरकार बना सकते हैं, वो स्थिति सिर्फ छत्तीसगढ़। तो जब इतना बड़ा इंसेंटिव हो, जब इतना बड़ा लक्ष्य हो, तो पार्टी में हम जैसे कार्यकर्ता जो 4 साल से है, बहुत तरह की जिम्मेवारियां दी गई है सरकार में, पार्टी में, अपनी क्षमता के अनुसार करता रहा हूं, तो मुझे भी यहाँ एक जिम्मेवारी दी गई जो जिम्मेवारी काफी महत्वपूर्ण है, और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में गोपाल राय जी ने और छत्तीसगढ़ के आपके संगठन ने ऐसा समझा कि मैं चुनाव प्रबंधन का प्रभार संभाल सकता हूँ और अपने अनुभव यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ और आपकी जीत का एक हिस्सा बन सकता हूँ, आपकी विनिंग टीम का एक हिस्सा बन सकता हूँ। ये बहुत बड़ा सम्मान मेरे लिए है। इस सम्मान देने के लिए मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, गोपाल जी को और राज्य के संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बड़ी विनम्रता से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और उसके लिए संघर्ष का बिगुल जो हमने बजाया है, जो शंखनाद किया है, इसकी आवाज कम नहीं होगी। और ये शंखनाद एक बहुत बड़े ढोल नगाड़े में जीत के जश्न में तब्दील होगा जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उस दिन में और आज के दिन में एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को अगर हम पार कर सके, अगर हम उन कठिनाइयों को झेल सके, उन मुसीबतों का सामना कर सके, तो विजय हमारी है, वो तो तय है। और मेरा योगदान आप सबों के साथ उस यात्रा में चलने का है, जो नहीं चल पा रहा है, दिक्कत है, उसका हाथ पकड़ के लेके चलने का है, सहारा देने का है, बताना है कैसे चलना है, तो उस यात्रा में मैं भी आपके साथ शामिल रहूंगा।
आप मुझे बहुत बार अपने क्षेत्र में भी देखेंगे, मैं पूरी तरह से घर में बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के काम करने के पक्ष में नहीं रहता, जब भी मौका मिलता है क्षेत्रों में जाना चाहूँगा। और शायद यही मेरे काम करने का तरीका है कि नेशनल कन्वेनर ऑफिस में रहते हुए मैं शायद भारत के उन चंद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हूँ जो सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है। मैं तकरीबन 20 से 25 दिन दिल्ली से बाहर रहता हूँ। उस दिन से पूरे दिल्ली में पूरे महीने में 3-4 दिन का एक कोई विंडो कभी मुझे मिल पाता है, वो भी मैं जाके अपने कपड़े धुलवा के प्रेस करके फिर दोबारा बैग लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिम्मेवारियाँ सिर्फ ऑफिस में बैठ के दिल्ली से नहीं दी जा सकती है। जितनी बातें मुझे यहाँ आके पता चली छत्तीसगढ़ के बारे में, आप लोगों के बारे में, आपकी चुनाव तैयारियों के बारे में, वो दिल्ली से बैठ के नहीं हो सकता, ना वहाँ फोन करके आप इसको पता कर सकते हैं। जब जमीन पे जाने की आवश्यकता होती है। पिछले बार जब गोपाल राय जी यहाँ आए थे, उन्होंने 31 उम्मीदवारों की घोषणा की। उन उम्मीदवारों के लिए हमने कुछ कार्यक्रम तय किए जिसकी चर्चा आप लोगों के साथ भी होगी, क्योंकि मुझे पता नहीं कि उन उम्मीदवारों में से कोई भी यहाँ पर है, ये नए सेट है कि दूसरा सेट है, सारे नए लोग हैं। उन सभी लोगों के साथ दोबारा चर्चा करूँगा, मैं फिर आऊँगा 4-5 दिन के बाद लंबे समय के लिए, तब चर्चा करूँगा। लेकिन जो अभी की जो टीम आ रही है, इसमें से जो अनाउंस होगा, अभी मेरे पास एक लिस्ट दी गई है करीब 31 लोगों को, इस बार भी 31 लोग ही हैं, पिछले बार भी 31 ही थे, तो 31 लोगों की जो मुझे लिस्ट दी गई है जिसकी विधिवत घोषणा मीडिया के सामने की जाएगी और मीडिया को उसकी एक प्रति दी जाएगी, वो प्रति हमारे पास है और आप सभी लोगों को सूचित किया जाएगा। उसके बाद वो कार्रवाई होगी जो पिछले बार गोपाल राय जी ने की थी, उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था, उस सभी को वितरित किया गया था, सभी को बताया गया था कि अभी से लेके चुनाव के काउंटिंग के दिन तक हमारी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं और उन जिम्मेवारियों को हम कैसे पूरा करेंगे और उन जिम्मेवारियों को पूरा करने में हमारे तरफ से आपकी क्या मदद होगी। मैं आपको ये बता दूं कि रायपुर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रूम, जिसको हम वॉर रूम बोलते हैं, इलेक्शन के समय में वॉर रूम बोलते हैं, ये सब कुछ का वॉर रूम है, वो वॉर रूम की स्थापना की गई है। उसमें वो तमाम लोग हमारे साथ हैं जो अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर सकते हैं, उन क्षेत्रों के बारे में उनका ज्ञान है, उन विषयों के बारे में उनकी समझ है, पहले काम कर रखा है। पूरा का पूरा वॉर रूम हमारे भाई सूरज की है, वहाँ पर है, उनके नियंत्रण में चलेगा, मैं इसकी विधिवत घोषणा कर रहा हूँ। और इनके साथ एक बड़ी टीम होगी, उस टीम के कौन कौन सदस्य होंगे इसकी भी घोषणा मैं भी करूंगा। उन लोगों ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है, हमारा जो ऑफिस है रायपुर में, वहाँ उस वॉर रूम को सेटअप किया जा सकता है और उसके बारे में निर्णय हो गए हैं, कुछ खरीदारियाँ करनी है, कुछ नए सामान उपकरण लाने होंगे, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर भी काम करना लोगों ने शुरू कर दिया है और ये काम जो है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होगा। देखिए, चुनाव टिकट पाना एक राजनीतिक एक हल है, एक निष्कर्ष है, राजनीतिक निष्कर्ष है कि इस व्यक्ति को टिकट देना है, वो राजनीति का अंतिम परिणाम नहीं है, क्योंकि आपकी यात्रा शुरू होती है यहां से, आपको की घोषणा की गई है कि आप आज हमारे लिए टिकट पाने वाले व्यक्ति हैं और आपको जिस समय आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे आपको वो टिकट दिया जाएगा। टिकट का मतलब होता है फॉर्म ए और फॉर्म बी, जो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ आप लगाएंगे तभी आपको किसी राजनीतिक दल का प्रत्याशी माना जाएगा, अन्यथा आप अगर कहेंगे कि हम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं तो वो नहीं मानेंगे जब तक वो फॉर्म ए और फॉर्म बी, जो अधिकृत लोग ही जिस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, वो आपको मिला जाएगा, उसको आप समझ जाएंगे कि आपको टिकट मिला। अभी हमने घोषणा की है और घोषणा कर रहे हैं कि इन व्यक्तियों को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप भी वो लोग हैं उन क्षेत्रों में सबसे अच्छा हमारा चुनाव लड़ सकते हैं, उससे आपको भी फायदा होगा चुनाव की तैयारी करने में,
आप पहले से चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे, आपको एक बाकी लोगों से एक एज मिल जाएगा, एक बढ़त मिल जाएगी। बहुत सारे दल है जो अभी चुनाव की टिकटों के लिए पाचा पच्ची कर रहे हैं, सब प्रोवल चल रहा है, अब ये टिकट पहले अनाउंस कर चुके होंगे, तो हमारे कैंडिडेट को, हमारे उम्मीदवार को एक बढ़त होगी शुरू में ही, कि वो निश्चित जब वो काम कर सकेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि पार्टी को भी मौका मिलेगा ये देखने का कि वो कौन सा कैंडिडेट कितना मेहनत कर रहा है और कितना वो जीतने के हालत में है और वो कितना कर पाएगा। आपको मौका है अच्छा काम करने का बढ़त के साथ, हमें मौका है आपको जज करने का कि क्या हमारा यही सबसे अच्छा कैंडिडेट है। क्योंकि आज की तारीख में जो भी टिकट अनाउंस हो रहे हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है, आज इस वक्त इस घड़ी वही हमारा सबसे अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन वो सबसे अच्छा कैंडिडेट बना रहेगा ये तब होगा जब वो बताए गए काम को करेगा, बताए गए नियमों का पालन करेगा, अनुशासित रहेगा और पार्टी उससे जो भी अपेक्षा करती है, जिस तरह के प्रयत्न की अपेक्षा करती है, उतना वो प्रयत्न करेगा। आम आदमी पार्टी के पास धन नहीं होता है, बहुत कम पैसे हमारे पास होते हैं, तो उस धन के बदले में हम परिश्रम करते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी टिकट देने के बाद कैंडिडेट के पीछे क्यों पड़ जाते हैं। हम आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं है, वो टिकट दे देते हैं छोड़ देते हैं कि अंतिम दिन वो आके अपना फॉर्म ए भी ले जाते हैं, उसके बाद चुनाव आपको जैसे भी लड़ना है आप लड़ दो, आपको जहां से पैसे खर्च कर रहे हैं क्या करना है वो कैंडिडेट पर छोड़ देते हैं। बहुत सी पार्टियां, आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होता। आम आदमी पार्टी में टिकट देने के बाद हम उनकी तैयारियों के साथ करते हैं, हम कैंडिडेट को छोड़ नहीं देते हैं, भूलते नहीं है, आपके साथ रहेंगे, आपको याद दिलाएंगे कि आपको ये करना था, आप ये कर रहे हैं और हम भी आपके साथ लगे रहेंगे। तो पार्टी साथ साथ चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी में पार्टी भी साथ साथ चुनाव लड़ती है, सिर्फ कैंडिडेट नहीं लड़ रहा होता, हमारा आपके साथ उतना ही इंटरेस्ट है आपकी जीत में जितना आपको होगा। पार्टी के हर कार्यकर्ताओं के लिए वो उसकी सीट है, वो सिर्फ एक उम्मीदवार की सीट नहीं होती है, पूरी पार्टी की सीट है वो, पार्टी का हर कार्यकर्ता उसमें जुड़ता है, हर कार्यकर्ता मेहनत करता है, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है, सभी का परिश्रम लगा हुआ है। तो हमारा जो हमारी जो तैयारी है, जो तौर तरीके हैं चुनाव लड़ने के, वो लेबर इंटेंसिव है, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, वो आराम का नहीं है कि टिकट मिल गया कोई बात नहीं, तो पोस्टर लगवा देंगे किसी को, क्योंकि हमारे कैंडिडेट के पास उतना पैसा नहीं है। हम लोगों के पास जाते हैं, अपनी बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, हम मेहनत करते हुए दिखते हैं, हम ईमानदार हैं, हमारा व्यक्तित्व है ईमानदार, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम मेहनती भी दिखते हैं लोगों के पास, तब हमें वोट मिलता है, क्योंकि हम डिफरेंट हैं। ये नहीं कि चुनाव के 5 दिन पहले बड़े बड़े होर्डिंग्स दिख गए और आपको वोट मिल गया और आपकी लुगाई गड्डी उन्होंने बांट दी, दादी की बोतलें बांट दी, आपको वोट मिल गया, ऐसा चुनाव तो नहीं लगता। हम एक प्रक्रिया के तहत चुनाव, उस प्रक्रिया की जानकारी हमको दी जाएगी। और मैं कुछ एक दो बात और कहना चाहूंगा कि जो भी रायपुर में या कहीं भी आपके बहुत जगह कुछ पर्यवेक्षक भी हैं, वो सभी लोग आपके फैसिलिटेटर हैं, आपके मतलब आपके मददगार हैं, आपकी ये सपोर्ट टीम है। देखिए कोई टीम अच्छा नहीं करेगी जब तक उसके साथ उसके कोच, उसका बसर्स, उसका फिजियोथेरेपिस्ट, उसके डॉक्टर सारे लोग होते हैं। तो समझिए कि आप हमारे प्लेयर हैं, तो हम आपकी सपोर्ट टीम। आपने देखा है जब बॉक्सर एक जाता है बॉक्सिंग रिंग में, जब ब्रेक होता है तो अपने कोने में कुर्सी पर बैठता है, कुछ लोग उसके सर पर तौलिया डालेगा, कुछ मुंह पर पानी लगाने लगेगा, कुछ दबाने लगेगा, वो कौन हम लोग होते हैं, वो आपकी सपोर्ट टीम है, हम वही सपोर्ट टीम आपके लिए। आप रिंग में है और हम आपकी सपोर्ट टीम, आप लड़े हैं हमारे साथ, हम आपको छोड़ेंगे, देखेंगे आपको ट्रेन भी करेंगे, देखिए ये बॉक्सिंग में ये पंच आपको इसे लेना था, आपने ये पंच ऐसे लिया। हम आपकी सपोर्ट टीम, हम आपकी टीम का हिस्सा, हर हर उस उम्मीदवार की टीम का हिस्सा। तो छत्तीसगढ़ में हमें बहुत आशाएं हैं, केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है, बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है, और छत्तीसगढ़ के परिणाम जो आएंगे उसका दूरगामी असर होगा आम आदमी पार्टी का। आप में से बहुत लोग इस बात को जानते होंगे, नहीं तो अलग से फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा कि क्यों छत्तीसगढ़ का चुनाव इंपॉर्टेंट, और यही चुनाव हमें जीतना ही होगा।
क्योंकि पार्टी के स्ट्रक्चर में, पार्टी के हैसियत में इसका दूरगामी असर होगा अगर ये चुनाव, और उसके बाद हम एक दूसरी तरह से हमारी एक आइडेंटिटी होगी, हम अलग तरीके से परिभाषित किए जाएंगे, अलग तरीके से देखे जाएंगे। तो टिकट मिलना आसान है, मिल जाता है, आप पार्टी में सक्रिय रहे होंगे, आपकी अच्छी इमेज है, पार्टी का नेतृत्व आपके साथ, सारे साथ के जो आपके को वर्कर है सभी का समर्थन होगा, आपको टिकट मिल गया। लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है, चूंकि ये देख लीजिए आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मैं देख रहा हूं लिस्ट में बहुत युवा साथी, 30 साल के नीचे के भी साथी है, 35 साल के नीचे तो बहुत साथी है, बहुत कम दल है जो परंपरागत राजनीतिक दल है जो इतने कम उम्र में इतने युवा को इतना मौका दे सकता है, सिर्फ आम आदमी पार्टी। बाकी जगह जो युवा आते भी है ना, तो किसी के बेटे होते हैं, किसी के बहू होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो युवा होते हैं जिनको अभी युवा मानने लगते हैं कि युवा नेता, युवा नेता क्या है, वो तो वंशवाद है, यहाँ पर वंशवाद नहीं है। यहाँ जो युवा है उसने अपनी मेहनत से उसको टिकट आ सकती है, इसलिए उसको टिकट नहीं मिला है कि उसके पिताजी बहुत बड़े नेता मर गए थे, या किसी मंत्री का बेटा है, या किसी का सगा है। तो जब इतना बड़ा सम्मान पार्टी दे रही है, इतना बड़ा मौका पार्टी दे रही है, तो इस सम्मान, इस मौके को जाया नहीं करना, जान लगा देंगे, पूरी हिम्मत से काम करेंगे, और ये मान के चलेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए हम ही एक विकल्प है, जनता हमें विकल्प रूप में देख रही है। हमारे अभी भी मैं बैठा हुआ था अभी कॉफी हाउस में, क्योंकि यहाँ कुछ विलंब था तो मैं कॉफी हाउस में कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था, सब पत्रकार मुझे बोल रहे थे कि सर अच्छी सी, अच्छा आप ये कर सकते हैं, मैं सिर्फ सुन रहा था। वो सारे पत्रकार थे, वो इंडिपेंडेंट पत्रकार थे, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का, कोई दूसरे पेपर का है, कहीं कहीं का। जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरे साथ आके कॉफी पीने लगे, तो अभी आधा घंटा चर्चा हुई है अनऑफिशियली काफी पत्रकारों से कॉफी हाउस, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नहीं माहौल है, माहौल बन। तो अभी हमें एक फ्रंट लेना है, अभी हमें एक कसम खानी है कि अभी जो टिकट अनाउंस हम करने वाले हैं, हमारे जो भी कैंडिडेट हैं उनके साथ उनकी टीम भी आई होगी, वो सभी लोग यहाँ से प्रण लेके जाएंगे कि हम जो भी पार्टी ने मौका दिया है, जो छत्तीसगढ़ की जनता ने मौका दिया है सेवा करने का, वो सेवा करने का अवसर हम नहीं खोएंगे। हम चुनाव लड़ेंगे, जीतने